हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस, क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी लेसन थर्ड फाइबर टू फैब्रिक पार्ट टू। देखिए, फाइबर टू फैब्रिक में हम पढ़ रहे हैं कि एनिमल फाइबर क्या है, कैसे बनते हैं, इनका यूज क्या होता है, इनके सोर्सेस क्या है, इनकी प्रोसेसिंग क्या है। तो एनिमल फाइबर मेरे पार्ट वन में ऑलरेडी मैंने वूल के बारे में, वूल यानी ऊन, वून के बारे में मैंने बता दिया है। और आज मेरा टॉपिक है एनिमल फाइबर, और इसका जो मेन मेजर टॉपिक है वो है सिल्क। जैसा कि आपको बताया गया है, मैंने ही कई बार बताया है कि एनिमल फाइबर में हम दो चीजें बेसिकली पढ़ते हैं, एक वूल और दूसरा सिल्क। वूल मैंने पढ़ा दिया, अब सिल्क पढ़ते हैं। सिल्क रेशम हिंदी में जाने, और रेशम का कपड़ा बनता है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे अपने घर में, मम्मी लोग पहनी होंगी, या किसी शादी विवाह में लेडीजें ज्यादातर पहनती हैं रेशम का कपड़ा, साड़ी वगैरह। कभी आपने टच किया, क्या फील किया कि आखिर ये आता कहाँ से, कैसे बनता है, कौन बनाता है, इसकी प्रोसेसिंग क्या है? तो चलिए, आज हम इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देंगे। और सबसे पहले जानते हैं कि ये एनिमल फाइबर जो है, ये है क्या। देखिए, एनिमल से प्रोड्यूस कुछ रेशा यानी फाइबर जिसको हम अपने यूज में लाते हैं, वही है एनिमल फाइबर। और ये एनिमल फाइबर में जो हम सिल्क की बात कर रहे हैं, तो एक एनिमल है, इंसेक्ट, जिसका नाम है सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ, जिसको हम सिल्क वार्म भी बोलते हैं, या रेशम कीड़ा हिंदी में, इसी की बॉडी से सिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो हमारे साइंटिफिक वर्ड में इसको कहें कि सिल्क के यानी सिल्क वार्म की देखरेख करना, और उस वार्म से, उस इंसेक्ट से रेशम का प्रोडक्शन करना, जिस प्रोसेस के अंतर्गत होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर, यानी एक ये कल्चर है। हम इस कल्चर के थ्रू, सेरीकल्चर के थ्रू रेशम का प्रोडक्शन करते हैं। तो रेशम का प्रोडक्शन सेरीकल्चर के थ्रू होता है, और ये सेरीकल्चर हमारे इंसानों के थ्रू ही अपने इंडिया में, वर्ल्ड में, हर जगह प्रोडक्शन हो रहा है। फिलहाल अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए, तो सबसे पहले ये चाइना में इसकी डिस्कवरी हुई थी, चाइना, जी हाँ, अपना पड़ोसी देश, और आजकल जिसका नाम आप लोग सुन ही रहे हैं। सो चाइना में इसकी डिस्कवरी हुई, और डिस्कवरी होने के बाद कई सालों तक चाइना वाले इसको सीक्रेट रखे, मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं दिया, क्योंकि ये एक उनको कुछ नया लगा, बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि उनको उनके इकोनॉमी में ज़्यादा कुछ इंक्रीज कर सकता है, और सही भी है। लेकिन धीरे धीरे कुछ ट्रैवलर्स के थ्रू या किसी लोगों के थ्रू, तो अलग अलग कंट्रीज में इसका विस्तार हुआ, स्प्रेड हुआ। और इस तरह से वैसे ये आई थिंक एनसीईआरटी बुक में तो नहीं लिखा है, उसमें यही लिखा है कि इसकी कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, किसी और बुकों में यही है 2500 साल पुराना, 2500 ईयर एगो इसका हिस्ट्री है। तो अभी इतना ही जाने। और चाइना में डिस्कवरी हुई, चाइना से अलग अलग देशों में इसका स्प्रेड हुआ। एनिमल फाइबर है, और उस एनिमल का नाम है सिल्क मॉथ, और ये प्रोसेस जिसके अंतर्गत ये कल्चर होता है, उसको बोलते हैं शेरी कल्चर। अब आगे, तो इस शेरी कल्चर में इतना जानिए कि एग लेइंग करने वाली एक इंसेक्ट, जिसको सिल्क मॉथ बोलते हैं, ये 200 से लेकर के 500 तक अंडे दे सकती है, देती ही है। और
बेसिकली ये मलबरी प्लांट होता है, उन्हीं की पत्तियों में रहती हैं, और मलबरी प्लांट की ही सॉफ्ट लीव्स को, न्यूली लीव्स को खाती हैं, और उन्हीं को खा करके ये रहती हैं। तो ये तो इनका नेचुरल लिविंग एरिया था, और हमारे जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है हमारे साइंटिस्ट या वर्कर्स के थ्रू, तो वो एक आर्टिफिशियल इसका एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। एक कमरा होगा जहाँ का ह्यूमिडिटी टेम्परेचर एकदम मेंटेन रखेंगे, और वहाँ पे इनको कुछ बैम्बू न्यूली लीव्स और मलबेरी न्यूली लीव्स रखेंगे, वहीं पे इनका प्रोडक्शन होता है, वहीं पे इनकी रेयरिंग होगी यानी देख रेख होगी, और वहीं से इनके पूरी प्रोसेस होती है। चलिए समझते हैं इनकी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ये इनके रिप्रोडक्शन के बाद एग लेइंग होगी, 200 से 400-500 अंडे ये एग लेइंग करेंगे, और उन अंडों से हैचिंग होगी, और जो हैचिंग की प्रोसेस है यानी अंडे से उनका बच्चा निकलना, तो ये बच्चा पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होता, इसीलिए इंसेक्ट के बच्चे को हम लोग लार्वा कहते हैं, हमारे साइंटिस्ट वर्ड में, साइंटिफिक वर्ड में लार्वा कहा जाता है। और ये लार्वा जो इस सिल्क मॉथ का बच्चा है, लार्वा है, इसको स्पेशली कैटरपिलर कहते हैं, और ये जो कैटरपिलर है बहुत तेजी से उसी ग्रीन लीव्स को, न्यूली ग्रीन लीव्स को खाना शुरू कर देता है, और काफी दिन तक खाता है, और खाने के बाद लगभग 20 से 25 दिन तक खाता है, और खाने के बाद ये शांत हो जाता है। इनकी जिस समय ये बहुत तेजी से भोजन करते रहते हैं, उस समय इनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, और ग्रोथ होने के साथ ही जैसे ये खा चुकते हैं 20-30 डेज के बाद ये इनका भोजन स्टॉप कर देते हैं, अपना खाना स्टॉप कर देंगे, और जब स्टॉप कर देंगे तो इनके जो ये कैटरपिलर है नेक्स्ट स्टेज आती है, क्योंकि ये कई स्टेजेस में कन्वर्ट होते हैं। जैसे मैंने बताया एक हैचिंग करेगा और कैटरपिलर में कन्वर्ट होगा, यानी उसका बच्चा निकलेगा, और कैटरपिलर आगे चल करके प्यूपा स्टेज में होता है, PUPA, लेकिन प्यूपा स्टेज डायरेक्टली नहीं हो जाता, कैटरपिलर ही प्यूपा में कन्वर्ट होगा, लेकिन कन्वर्ट होते ही इनकी बॉडी में कुछ मतलब लिक्विड सब्सटेंस निकलना शुरू हो जाती है इनकी सेल्फ बॉडी से, इन्हीं की बॉडी से। ये लिक्विड सब्सटेंस जो निकलते हैं ये इनकी बॉडी में आकर के एयर के संपर्क में होते ही तुरंत क्या होता है कि कड़े हो जाते हैं, हार्ड हो जाता है, और वो लिक्विड सब्सटेंस इनकी बॉडी में घूमना शुरू कर देता है। बॉडी में वो लिक्विड सब्सटेंस निकलता रहता है और बॉडी में इनके चारों तरफ घूमता रहता है, काफी ज्यादा इनके चारों तरफ बॉडी में घूम करके काफी लंबा बना देता है, और जो लिक्विड सब्सटेंस निकलता है उस लिक्विड को हम कोकून कहते हैं, और वही कोकून आगे चल करके फाइबर में कन्वर्ट होता है। अब वहां से हम इसको किस तरह से निकालते हैं, देखिए जब चारों तरफ उस प्यूपा में, यानी कैटरपिलर ही प्यूपा में कन्वर्ट होगा, प्यूपा के बॉडी में चारों तरफ ये जो रेशम यानी कोकून लगा हुआ होता है उसको निकालने के लिए, चूंकि वो कड़ा हो चुका होता है, अगर हम उसके साथ जबरदस्ती करेंगे या जल्दी से निकालेंगे, कड़ेपन से निकालेंगे, तो वो खराब हो जाएगा। इसलिए हम उसको क्या करते हैं कि एक बड़ा सा टब लेंगे, उसमें पानी उबालेंगे, और उस इंसेक्ट्स को, बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं, उस प्यूपा को डाल देंगे उसमें। डाल देने से क्या होता है कि सारा का सारा प्यूपा तुम सिकुड़ करके बाहर निकल जाता है, यानी मर जाता है, और उससे हम उस कोकून को निकाल लेते हैं, वही कोकून आगे चल करके फाइबर होता है। हमें और भी नेक्स्ट जनरेशन के लिए उनसे
फिर से रेशम चाहिए, इसलिए कुछ प्यूपा को हम नहीं मारते, कुछ प्यूपा को हम उस वाटर में नहीं डालते उबलते हुए पानी में, और जिनको नहीं डालते वो खुद ही अपने से उस पूरे कोकून को नष्ट करके खराब करके बाहर निकल आते हैं, और वही आगे चल करके सिल्क मॉथ में यानी एक एडल्ट मेल और फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एडल्ट फीमेल जो मॉथ है वो एग लेइंग करी, एग लेइंग से कैटरपिलर हैचिंग के बाद, और कैटरपिलर के ऊपर कोकून का यानी लिक्विड का सब सिक्रेशन हुआ, और वही आगे चल करके प्यूपा, और प्यूपा से फिर एक एडल्ट मेल और फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर एडल्ट में नहीं कन्वर्ट करना है तो हम उसका यूज उसको मार डालते हैं यानी गर्म पानी से, और मारने के बाद उसका हम उस कोकून को प्राप्त कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। सो इस तरह से उस फाइबर से जो हमने कोकून के रूप में निकाला प्यूपा से, उस एनिमल से, प्यूपा तो मर गया, और उसको हम मशीन में ले जा करके उसको स्पिन करेंगे यानी उसका धागा बनाएंगे, थ्रेड में कन्वर्ट करेंगे, और वही थ्रेड आगे चल करके क्लॉथ में बनाया जाता है मशीन में। तो ये एक पूरी प्रोसेस हुई फ्रॉम सिल्क मॉथ देयर एग्स कैटरपिलर एंड कन्वर्ट इनटू मतलब प्रोडक्शन इनटू सिल्क। सो ये पूरी प्रोसेस तो ठीक है, इसके अलावा इसमें एक चीज जानना जरूरी है कि चाइना के साथ साथ इंडिया का भी रैंक होती है इसके प्रोडक्शन में, क्योंकि हमारे इंडिया में टोटल चार वैरायटी के सिल्क का प्रोडक्शन होता है। देखिए सिल्क बनता तो एक ही तरह का है, उसके क्वालिटी के बेस पे अलग अलग इंसेक्ट ही कई कैटेगरी के हैं, उनसे ये जो सिल्क होता है उन्हीं के नाम पे इनको रखा गया है। जैसे कि सबसे बेसिक जो है मलबेरी सिल्क है, टसर सिल्क सेकेंड नंबर पे, थर्ड एरी सिल्क एंड फोर्थ मोगा सिल्क। ये चारों के चारों कलर और क्वालिटी में भी डिफरेंट होते हैं, और कलर तो हमारे आर्टिफिशियल भी बनाए जाते हैं इनके, क्योंकि हमें बाद में कपड़े बनाने से पहले इनको डाइंग करना होता है यानी इनको कलरिंग करना होता है, और जरूरी भी है क्योंकि क्वालिटी तो है लेकिन अट्रैक्टिव लगने के लिए कलर करना जरूरी होता है। और इस तरह से हम सिल्क का और सिल्क से बहुत सारी चीजों का क्लॉथ, डिफरेंट टाइप के क्लॉथ का प्रोडक्शन करते हैं। देखिए इसमें इसके प्रोडक्शन में इंडिया में विमेंस का यानी फीमेल लेडीज का बहुत ज्यादा हाथ होता है, क्योंकि वो लोग भी इस प्रोडक्शन में काफी अपनी भूमिका निभाते हैं, और इस तरह से प्रोडक्शन होता है। तो हमने आज एनिमल फाइबर के रेशम यानी सिल्क का प्रोडक्शन जाना, सोर्सेस जाना, हिस्ट्री जाना, और इनके कोकून से किस तरह से हम इनका प्रोडक्शन करते हैं ये जाना। तो ये होता है एनिमल फाइबर यानी सिल्क का प्रोडक्शन। देखिए ये इंडिया में चार तरह का, जिस तरह से मैंने बताया, फोर वेराइटीज, टसर, मोगा, एरी और मलबेरी, चार तरह के इनके वेराइटीज हैं, जो कि और वर्ल्ड में ये चारों के चारों एक किसी देश में बड़ा मुश्किल से या नहीं ही हैं, सिर्फ अपना इंडिया ही है, और ज्यादातर साउथ में इनका प्रोडक्शन होता है। तो ये रहा इस चैप्टर का बाकी चीजें। अभी हम कुछ इनके डायग्राम आपको दिखाते हैं, और डायग्राम से आपको पता चलेगा कि किस तरह से इनकी प्रोसेसिंग होती है। सो स्टूडेंट्स देखिए, मेल एंड फीमेल एडल्ट सिल्क मॉथ एकदम ऊपर है, मेल हमेशा छोटा होता है इन इंसेक्ट्स में, और फीमेल बड़ी होती है बॉडी में, बॉडी साइज में। और उसके बाद हम आप ध्यान से देखें कि सिल्क वार्म ये डी नंबर में और सी नंबर में इन्हीं फीमेल्स के थ्रू एग्स ऑन मलबेरी लीव्स, लीव्स के ऊपर ये एग लेइंग कर देते हैं। यही हैचिंग करने के बाद सिल्क वार्म में कन्वर्ट होता है,
और सिल्क वार्म आगे चल के जब भोजन करना बंद कर देता है तो फिर कोकून में कन्वर्ट होता है। देखिए ये जो कोकून है ये वाला सिस्टम, तो ये ई नंबर और यही डेवलप करके आगे कोकून विथ डेवलपिंग माउथ, आप ध्यान से देख लीजिए, इनके चारों तरफ ये रेशम लगा हुआ रहता है। इसी से हम आगे चल करके रेशम का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिएगा, एक ये रेयरिंग सिल्क वार्म है, किस तरह से हम सिल्क वार्म की रेयरिंग करते हैं, देख रेख करते हैं। एक मलबेरी ट्री इधर इस साइड फीमेल सिल्क मॉथ है विथ एग्स, इनके एग आप देख सकते हैं। और फिर ये लार्वा यानी कैटरपिलर, जिस यानी कि लार्वा तो सारे इंसेक्ट्स के अंडे से यानी एग से जैसे ही हैचिंग हुई तो लार्वा ही बोलेंगे, लेकिन अगर स्पेशली किसी एनिमल की बात किया जाए तो यहाँ पे कैटरपिलर या सिल्क वार्म बोलते हैं, फीडिंग ऑन मलबेरी लीव्स, मलबेरी लीव्स को फीड करता है। यहाँ पे लीव्स मलबेरी लीव्स और मलबेरी दिखाया गया है। और इसी तरह से ये कोकून है, कोकून कलर्ड भी हो सकता है और विदाउट कलर। सो इस तरह से ये आप देख सकते हैं। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सिल्क में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे सीधे एनसीईआरटी के बुक में कि एग्जैक्ट टाइम यानी द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेगेंड द इम्प्रेस यानी सी लंग ची, ये चाइनीज लोगों के नाम ही ऐसे होते हैं, उन्होंने और हांग टी इन्हीं के द्वारा जो भी जानकारी हुई। और देखिए यहाँ पे ये डिस्कवरी भी एक्सीडेंटली हुई है, एक्सीडेंटली अ कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी, और वहां से फिर इनको ये जानकारी हुई थी। देखिए लिखा है कि सिल्क इंडस्ट्री बेगन इन चाइना एंड वाज केप्ट क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, कई सालों तक इन्होंने इस चाइना सिल्क के प्रोडक्शन को गोपनीय रखा। ठीक, उसके बाद फिर ये सिल्क का अदर कंट्रीज में ट्रेडर और ट्रेवलर के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ है। सो इसको हम जिस रूट के थ्रू, जिस रास्ते से ये जानकारी लोगों को प्राप्त हुई उसको हम सिल्क रूट भी कहते हैं। और आज हम आपको सिल्क रूट, तो ठीक है, सिल्क के प्रोडक्शन के बारे में बताया, और जिसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। ध्यान से देखना, सेरीकल्चर के डेफिनेशन आपको जानकारी होना जरूरी है। ये है द रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड से, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे दोबारा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।